180 डिग्री के एंगल में मैं हाफ वे आ चुका हूँ और यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज ट्रायल विथ रोहित। तो आज मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया था तो मैंने ऐसे सर्च किया गूगल पे नियर बाय प्लेस विजिट इन मुंबई, नवी मुंबई, जो अच्छे से कवर हो, तो मुझे एक प्लेस मिला है। तो मैं यहाँ से आया हूँ, बाइक मैंने वहाँ पे पार्क की है, तो अभी हम ऐसे ही आगे आगे जाते हैं, देखते क्या क्या होता है। वो छोटी सी प्लेस है, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम आया हूँ, गूगल रिव्यूज़ देख के देखते क्या होता है। वहाँ पे सिटी है और यहाँ पे ग्रीनरी है। ये अपने खारघर में है। अभी आगे देखते ऊपर तक जाते, ऐसे पत्थर है, पूरे ऐसे 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 पत्थर है और फिर राइट साइड में ऐसे ग्रीनरी है, ऐसे माउंटेन्स है, पता नहीं आगे आगे क्या है, देखते। वो क्लाउड्स हो रहा है, होपफुली थोड़ा गर्म है, बारिश वारिश आएगा तो मज़ा आएगा। सिर्फ रास्ते पे सिर्फ पानी है, तो बारिश होता होगा तो पानी का फ्लो होता ही होगा। अब लास्ट ब्लॉक के बाद ये सब कुछ नहीं लग रहा है, ये सब हल्का हल्का लग रहा है। सिर्फ एक ही फ़र्क है, यहाँ पे धूप ज़्यादा है। और यहाँ पे भगवान ने हमारी सुन ली और वेदर अच्छा होते हुए, और वहाँ पे दिख रहा है हमको वाटरफॉल, शायद गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल और हम ऊपर तक जाएंगे। यहाँ पे पानी ऊपर का नीचे तक आ रहा है, ये स्लोप बहुत ज़्यादा है पत्थर से जाने का। अभी हम जाते क्रॉस करते, आई होप पानी का फ्लो का आवाज़ आ रहा होगा, तो पूरा वाइब्स दे रहा है, पानी का साउंड आ रहा है क्लियरली। अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, यहाँ से एकदम रास्ता स्टीफ है, वो रहा ऊपर का वाटरफॉल, वहाँ तक जाना है। चलो लेट्स गो। वो साइड में फुल डेंस है, ये साइड में पाथवे बना है, ट्रेल्स बने, हम उस पर चल के जा रहे हैं। वहाँ पे लोग है, देखते ऐसे क्लोज माउंटेन्स है, होपफुली ऊपर तक जाए। तो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं नहीं पता नहीं, मैं देखता हूँ आते क्या। ओह भाई भाई क्या कलरफुल है, इसे देख के मुझे वो आसाम ट्री प्लांटेशंस की याद आ रही है, स्टेप स्टेप्स जैसे, और बीच में ये पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ से हमको जाना है फॉल, यहाँ से दिख रहा होगा वहाँ पर है, पानी बह रहा है। लेट्स गो, फटाफट जाते। तो यहाँ पे अभी हम एक स्टीफ पार करके आए, कैमरे में दिख रहा है ऐसा स्ट्रेट है, पर ये ऑलमोस्ट 80% 80 डिग्री के एंगल में है।
मैं हाफ वे आ चुका हूँ और यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, तो काफ़ी फॉल पास में ही है। यहाँ पे पाई चार्ट ग्राफ के जैसा हम ऊपर नीचे जा रहे हैं। अब ऊपर आए, अब नीचे, फिर ऊपर, वोराफ मंजिल वॉटरफॉल। ये रॉकी है, थोड़ा पत्थर है, बारिश आती थी तो यहाँ से पानी होता। मजा आ रही है वैसे तो। फिर नीचे, फिर ऊपर, यार पैर बराबर से रख के आना। तो अगर आपको ये एरिया के बारे में कुछ भी पता चाहिए तो मुझे इंस्टा पे जू फॉलो करो, मैं आपको एरिया का लोकेशन बताऊंगा, व्यू बताऊंगा। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, ताकि मुझे समझे कि आपने ये वीडियो रिफ़र किया है। बहुत इजी प्लेस है, इजी टू गो है, आप घर बैठे बैठे यहाँ पे आ सकते हो, ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है। तो तब तक के लिए आगे व्यू फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो टाटा बोलते ही इस जगह को। एक दिन मैं अच्छा कपड़े लाया नहीं इसलिए पानी में गया नहीं, एक दिन कपड़े लेकर आएंगे और भीगेंगे, ऐसे कोई आगे के ब्लॉग में आएंगे वाटरफॉल में, से प्लान्स है। तो चलते हैं इस जगह से, आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को और स्टे ट्यून्ड। यहाँ से व्यू इतना नहीं है, देख लो ऐसे ऊपर से व्यू है, वहाँ पे सिटी है, यहाँ पे नेचर है। दिस इज मैन वर्सेस वाइल्ड। कष्ट है हम ऐसे वॉकिंग मुंगी जैसे पैर रख के चल रहे हैं, और ये सामने व्यू, और ऊपर है धूप। अब यहाँ तक आ गए हम लोग, नीचे आ गए। तो मैंने नीचे आते टाइम वीडियो नहीं निकाला क्योंकि सेम रास्ते थे, ऐसे ही प्लेसेस एक्सप्लोर करते रहूँगा। अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। जहाँ तक देख रहे हो तो कुछ ना कुछ कमेंट तो छोड़ के जाना, वीडियो कैसे लगा, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर द ब्लॉग, स्टे ट्यून, कीप क्रिएटिंग। थैंक यू, पीस आउट।